मैं हूं अभी सिविल सेक्रेटरीट अरुणाचल प्रदेश का जो मुख्य सचिवालय है, यहाँ मुख्यमंत्री का ऑफिस है, डिप्टी सीएम का है, चीफ सेक्रेटरी, सारा कमिश्नर सेक्रेटरीट यहाँ है। यहाँ आने का कारण यही था कि आज महीना का 15 तारीख है और हमारा चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जी का तरफ से एक आदेश निकला था कि एटलीस्ट हमारा जो कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है और हमारा जो आर्ट है उसको हम लोग प्रमोट किया जाए। हम लोग अपना लोकल ड्रेस पहनने से हमारा एक अपना आइडेंटिटी को, अपना प्रमोशन ट्रेडिशन को हम लोग प्रमोट कर सकता है। एवरी मंथ का 15 ये में 15 तारीख में ये अपना लोकल ड्रेस पहनना है। लोकल ड्रेस क्यों पहनना है सर? वो तो अपना ये ट्रेडिशनल का, ये अपने अरुणाचल में जो इसका ट्रेडिशनल ड्रेस को मैंने वन डे के लिए वो ये गवर्नमेंट जो अनाउंस कर दिया, इसका ये फॉलो करना पड़ेगा। महीना में मिनिमम एक बार तो ये ड्रेस पहनने के लिए जो नियम बने, ये बहुत अच्छा बनाया, ताकि ये नियम तो हम तो कहता हूँ कि जो हेड गियर भी हो और ये ड्रेस मैंने ये मैक्सिमम टाइम में ऑफिस में पहन कर आने से और भी अच्छा होगा। ताकि हमको लगता है इतना आपको नहीं भी अगर पहनेंगे तो पेनलाइज तो नहीं करेगा शायद, तो ये जिस तरह से ऑर्डर निकला है अच्छा है, क्योंकि कुछ तो होना है उसको ताकि हम लोग माने, अदरवाइज ऐसे वर्बल बोलेगा तो शायद इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो आज आप देख सकते हैं सभी ने इस कारण से पहना हुआ है, तो अच्छा बात है। लोकल ड्रेस पहनने से क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग, थोड़ा बताइए। हम लोग का लोकल हैंडलूम को इनकरेज होगा और जो यहाँ में जो लेकर लोकल वेंडर्स है उन लोग का भी बहुत प्रॉफिट होगा अगर हम लोग यहीं से हम लोग लोकल हैंडमेड सामान पहनेगा तो लेगा। तो लोकल ड्रेस क्यों पहनना चाहिए सर? नहीं, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, वो पहना है आज। आप तो लोकल ऑफिसर भी है ना? जी हाँ। तो इससे क्या फायदा होगा बताइए तो? कुछ भी फायदा नहीं है। लोकल ड्रेस पहनने से क्या फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं है। हमारा आर्ट कल्चर ट्रेडिशन तो अपना ड्रेस है, इसलिए पहने। अपना ड्रेस है ना जी सर? एक सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ने एक ऑर्डर दिया था। हाँ। सेक्रेटरी में 15 तारीख को हर महीना में पहन के आना चाहिए। आप पहन के आए भी हैं और आप लोकल ऑफिसर भी हैं, बाकी लोगों को क्या संदेश देंगे आप? कुछ संदेश देना नहीं, संदेश हम अपना मतलब से रहता है। ओके, थैंक यू सर। हर महीना का 15 तारीख को ऑर्डर निकला है सेक्रेटरी में कि लोकल ड्रेस पहनना है, आप इसको किस तरह से लेते हैं आप? एक्चुअली ड्रेस पहनना तो बहुत ही, गवर्नमेंट का ऑर्डर तो बहुत ही अच्छा है और मेनली अपना आइडेंटिटी को प्रमोट करने के लिए, अपना कल्चर को प्रमोट करने के लिए हम लोग अपना लोकल जो भी ट्रेडिशनल है इसको यूज़ करना है। और मेनली लोकल जो वेविंग करता है, जो लोकल बनाता है, स्पेशली उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। सिर्फ यहाँ में लोकल लोग क्या करता है कि सिर्फ फेस्टिवल में यूज़ करता है, तो इसमें क्या है कि सिर्फ फेस्टिवल में यूज़ करने से मैक्सिमम लोग का घर में ऐसा पड़ा रह जाता है, तो इसलिए अपना आइडेंटिटी को सिर्फ फेस्टिवल में दिखाता है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट का जो ऑर्डर को फॉलो करके हम लोग हमेशा अपना आइडेंटिटी कल्चर को फॉलो करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा। आप लोग लोकल ड्रेस पहन के आए ना? ये डीसीएम का ऑफिस में शायद आप दो ही आदमी है सिर्फ, क्या? हाँ, दो है। आप लोग हाँ, लेकिन आप लोगों को मालूम था आज 15 तारीख को लोकल ड्रेस पहन के जाना है बोल के ना? आप कौन ट्राइब से बिलोंग करता है? आसाम का है, लेकिन आप अरुणाचल का लोकल ट्राइब का ड्रेस पहन के ऑफिस में आए ना? हाँ। तो ये ऑर्डर को आप पालन कर रहे हैं क्या? हाँ, ऑर्डर को पालन कर। आप कौन ट्राइब का है? गालो का। ये जो आपने ड्रेस पहना, ये कौन ट्राइब का है मैडम? गालो का है ना? तब तो मतलब आपने भी ऑर्डर को पालन किया ना? और ये लोकल ड्रेस क्यों पहनना चाहिए आप बताइए तो? क्योंकि हम लोग का यहाँ का ट्रेडिशनल को भी हम लोग वो करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए और हम लोग को दूसरा को दिखाने के लिए, जानकारी के लिए यहाँ का ड्रेस इस टाइप का होता है बोल के। तो चीफ सेक्रेटरी का यही आदेश था कि एटलीस्ट हम लोग, ये नहीं है कि हम निशी ड्रेस पहने, आपातानी ड्रेस पहने, गालो आदि, तो कोई भी ड्रेस आप पहन सकते हैं, आप किसी को भी प्रमोट कर सकते हैं। ये हमारा अरुणाचल एक स्टेट है जहाँ भिन्न भिन्न ट्राइब है, भिन्न भिन्न कल्चर है, ट्रेडिशन है, आइडेंटिटी है, लेकिन ये सब सारा आइडेंटिटी को हम लोग को मिलकर प्रमोट करना पड़ेगा। और ये एक ऑर्डर सिर्फ ये सेक्रेटरीट के लिए नहीं है, यदि अच्छा होता है तो हम लोग चाहते हैं कि सारा स्टेट में गवर्नमेंट लागू किया जाए
जो हमारा ट्रेडिशन और कल्चर और आर्ट और ये हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करता है। मैं मनोज सिंह ईटानगर से अरुणाचल 24 के लिए।